बाबू क्या कह सकते, कहाँ रहेंगे। नित्यानंद जी तो जब मंत्री नहीं बने थे तो हमसे मिले थे, हमसे कहा था कि आप हमको अपने पार्टी में ले लीजिए, यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्या बोलेंगे। चलिए आप बताइए, आप राष्ट्रपति को चुनिएगा या मूर्ति को चुनिएगा। हमसे सवाल किया गया तो हमने जवाब दिया कि हम मूर्ति क्यों चुनेंगे, हम तो राष्ट्रपति चुनेंगे। राष्ट्रपति का अगर चुनाव है, अगर हम वोटर हैं तो हम तो इंतजार करेंगे ना कि वो प्रत्याशी कुछ बोले कि जब राष्ट्रपति बनेंगी तो क्या काम करेंगी। तो हम तो उसके लिए, तो हमने तो वो सुना नहीं, हमने तो यशवंत सिन्हा जी का सुना है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो भाजपा नेताओं के गले नहीं उतर रहा है। अभी दो दिन पहले उन्होंने एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। अब उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को लेकर बड़ी बात कह दी है। आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विधानसभा से अपना वोट डालकर बाहर निकले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय को लेकर कहा कि जब वो मंत्री नहीं बने थे तब हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि अब उनका मन वहां नहीं लग रहा है, वो उन्हें राजद में शामिल कर लें। आपको बता दें कि मूर्ति वाले बयान पर नित्यानंद राय ने कहा कि पिछड़ी जाति की महिलाओं का अपमान है और इसके लिए तेजस्वी यादव को सभी से माफी मांगनी चाहिए थी। बताइए किस तरह से आपकी पढ़ाई लिखाई पे सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के विधायक से लेकर मंत्री तक, यहाँ तक कि राबड़ी देवी सवाल कौन गया। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि राबड़ी देवी से अच्छी महिला है द्रौपदी मुर्मू। अच्छी और बेहतर महिला का बात नहीं हो रहा है, कौन बेहतर है। यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव है, हमारे सामने दो विकल्प है, एक यशवंत सिन्हा जी है, एक द्रौपदी मुर्मू जी है। और इस चुनाव में एमपी एमएलए जो है वोटर होते हैं, यानी हम वोटर हैं। आप भी वोट देते होंगे, एमपी एमएलए चुनते होंगे, तो आप उसके सामने जब ऑप्शन आता है तो आप देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है। कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव है, अगर हम वोटर हैं तो हम तो इंतज़ार करेंगे ना कि वो प्रत्याशी कुछ बोले कि जब राष्ट्रपति बनेंगी तो क्या काम करेंगी। तो हम तो उसके लिए, तो हमने तो वो सुना नहीं, हमने तो यशवंत सिन्हा जी का सुना है। अब किसको, बीजेपी के लोगों को कब ये लोग नहीं बोलते थे। ये लोग महिलाओं का सम्मान करना इनको पता है क्या, क्या होता है, कुछ नहीं जानते। महिला की बात थी, इतना महिला भी कर रहे हैं। जब प्रतिभा पाटिल जी को पहली बार किसने देश का राष्ट्रपति बनाया, और जब प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो ये भाजपा के लोग क्यों विरोध कर रहे थे। वो तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि प्रथम महिला राष्ट्रपति की चुनाव की बात थी। और अभी भी हमको मुर्मू जी से कोई व्यक्तिगत, कोई हमारा थोड़ी ना दुश्मनी है, भली महिला है, अच्छी महिला है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो संविधान की रक्षा करे, लोकतंत्र को बचाए। और जहां अराजकता का माहौल है, जहां नफरत परोसा जा रहा है, जहां धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जहां बेकार के कानून बनाए जाते हैं, वापस लिए जाते हैं, सब लोग सड़कों पर हैं, उस माहौल में एक उम्मीद होता है राष्ट्रपति। तो हमको ऐसा मजबूत राष्ट्रपति चाहिए कि हर स्थिति को वो संभाले, सरकार को चेक एंड बैलेंस करे। जहां सरकार, जो आज का माहौल है, जहां सारे संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, वहां एक राष्ट्रपति ही उम्मीद होती है। हम तो ऐसा राष्ट्रपति चाहेंगे ना। तो हम तो कौन क्या कहता है इस पर हमको नहीं कहना, लेकिन अगर आपसे हम सवाल पूछते हैं, मान लो हम पत्रकार हैं, आपसे हम सवाल पूछते हैं कि आप बताइए, आप राष्ट्रपति को चुनिएगा या मूर्ति को चुनिएगा। हमसे सवाल किया गया तो हमने जवाब दिया कि हम मूर्ति क्यों चुनेंगे, हम तो राष्ट्रपति चुनेंगे।
जो सवाल पूछता है उसका तो कुछ होता नहीं है, लेकिन राजनीति में तो बवाल मचाना है तो मचा दे दीजिए। नित्यानंद राय जी ने भी बहुत, अब क्या कह सकते, कहाँ रहेंगे नित्यानंद जी? तो जब मंत्री नहीं बने थे तो हमसे मिले थे, हमसे कहा था कि आप हमको अपने पार्टी में ले लीजिए, यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्या बोलेंगे? सर महंगाई बढ़ जाएगी, कितना फर्क पड़ेगा मिडिल क्लास और गरीबों को? खाने पीने की जो चीज़ें हैं, खाद्यान्न जो पदार्थ है, उस पर जो है 5% GST लगाया गया। जब GST जब लॉन्च किया जा रहा था तब क्या कहा गया? ये कहा गया था कि इन सब चीज़ों पे, दूध दही आटा इन सब चीज़ों पे जो है टैक्स फ्री रहेगा। आज जो है फिर सरकार ने ठग लिया, फिर मोदी जी ने ठगा, उनकी सरकार ने ठगा, महंगाई चरम सीमा पर है। और आश्चर्य की बात यह है कि 5% खाने पीने की चीज़ें दूध दही पे लगाई गई है, आटा पे लगाया गया है, चावल पे लगाया गया है, जो गरीब खरीदता है, जिससे गरीब अपना पेट भरता है। लेकिन अगर आप हीरा खरीदोगे जो अमीर खरीदते हैं, उस पर केवल 1.5% ही GST है, तो ये कहाँ का न्याय है? पटना में कई इलाकों में 50 रुपए किलो आटा बिक रहा है।